एक्ट्रेस करीना और सैफ अली खान के घर एक नन्हा मेहमान आया तो क्रिकेटर इरफान पठान के घर भी खुशियां आई। जी हां, इरफान पठान अब पापा बन गए हैं। उन्होंने ये खुशियां पिछले दिनों सोशल मीडिया पर शेयर की थी। उनकी वाइफ सफा बेग ने बेटे को जन्म दिया था। वहीं जब इरफान ने बेटे के जन्म की खुशखबरी सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी तो कई सोशल मीडिया के तथाकथित शेर अपने बेढंगी नामों के सजेशन देने में लग गए। ये वैसा ही था जब करीना कपूर और सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा तो सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई थी। लेकिन इरफान पठान ने एक फैन द्वारा अपने बेटे के लिए सुझाए गए विवादास्पद नामों के मामले में ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल एक फैन दिव्यांशु राज ने इरफान को बधाई देते हुए तंज कसा कि उन्हें अपने बेटे का नाम दाऊद या याकूब नहीं रखना चाहिए। दाऊद अंतर्राष्ट्रीय आतंकी है, जबकि आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के चलते भारत सरकार ने याकूब को फांसी दी थी। ऐसा सुझाव इस संदर्भ में आया कि पिछले दिनों करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर अली खान पटौदी रखा था। इस नाम तैमूर से जुड़े ऐतिहासिक संदर्भ के चलते सोशल मीडिया पर इसकी जमकर आलोचना की गई। सोशल मीडिया पर इनकी जमकर खिंचाई भी हुई। आपको बता दें कि इरफान को ठंडे दिमाग का क्रिकेटर माना जाता है और उन्होंने इस फैन द्वारा दिए गए बेढंगे सुझाव का जवाब भी पूरी शालीनता के साथ दिया। उन्होंने लिखा, हम अपने बेटे का चाहे जो नाम रखें, लेकिन इतना तय है कि वो अपने पिता और चाचा के समान देश की सेवा करेगा। गौरतलब है कि इरफान और सफा बेग की शादी इसी साल फरवरी में जेद्दा में हुई थी। इरफान ने कहा, इस एहसास को बयां करना मुश्किल है, इसमें एक बेहतरीन सी कोशिश है, ब्लेस्ड विद बेबी बॉय। इसके कुछ देर बाद ही इरफान ने बच्चे के हाथ की एक फोटो शेयर की और साथ ही अपने बच्चे के नाम की घोषणा भी कर दी। इरफान ने ट्वीट किया, ये नाम हमारे परिवार और दिल के करीब है, नाम है इमरान। और इस तरह इरफान पठान ने ऐसे लोगों की बोलती बंद कर दी जो उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगे थे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।